एक सेट है 1 2 3 4 5, बी सेट है 4 6 9. डिफाइन द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी बाय दिस. डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड. मतलब तुम्हें ऐसा ऑर्डर पेयर लेना है, देखो जब तुम्हें एक्स और वाई तुम ले रहे हो जिसमें डिफरेंस जो हो ऑड नंबर मिले. क्या मिले? डिफरेंस जो है वो ऑड नंबर तुम्हें मिले. तो अगर तुमने एक रिलेशन लिखना शुरू किया तो देखो ए क्रॉस बी में तो 1 4 होगा, तो देख लो 1 4 का डिफरेंस क्या ऑड नंबर है, तो 1 4 मिल जाएगा रिलेशन में, क्योंकि रिलेशन की कंडीशन है डिफरेंस होना चाहिए ऑड नंबर. अच्छा 1 का 6 से करोगे ऑड नंबर आएगा, चलो ठीक है ये भी सही है. 1 का 9 से करोगे तो 8 आएगा, इवन नंबर है तो ये नहीं लेना है. अब आ जाओ 2 का 4 से इवन आएगा, 2 का 6 से इवन आएगा, 2 का 9 ऑड आएगा, तो 2 9 आ जाएगा. ठीक है, ठीक है. आप क्या कर रहे हो, जैसे ए क्रॉस बी निकालते हो ना, तो वही सोच रहे हो माइंड में, लेकिन बस वो लिखो जिसमें डिफरेंस ऑड नंबर मिले. अब 3 पे आए, 3 4 ऑड मिलेगा, ठीक है, 3 6 ऑड मिलेगा, 3 9 इवन आ जाएगा, चलो ये नहीं लेना है, 5 का 4 ऑड मिल जाएगा, 5 का 6 ये भी ऑड आ जाएगा, 5 का 9 इवन मिलेगा. तो ये इतने ही ऑर्डर पेयर मिलेंगे, चेक करो. और बोला है राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, तो ये रोस्टर फॉर्म ही है. ये कौन सा फॉर्म है? दिस इज रोस्टर फॉर्म. और सेट बिल्डर फॉर्म कौन सा है? ये जो गिवन है ना, ये सेट बिल्डर फॉर्म होता है. जब कोई लैंग्वेज में चीज लिखी होती है, आपको याद हो जब सेट पढ़ा था तो क्या बताया था मैंने, सेट बिल्डर में स्टेटमेंट लिखा होता है कि एक्स सच सच दैट दिस दिस दिस. तो ये तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म है, ये ही तुम्हारा रोस्टर फॉर्म है, क्योंकि डायरेक्ट आपने एलिमेंट को लिस्ट कर दिया है, आपने एलिमेंट को डायरेक्टली लिस्ट कर दिया है. ठीक है, तो इसलिए ये तुम्हारा बनेगा रोस्टर फॉर्म. समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? देख लीजिए, चलो